रक्षाबंधन पर अपने घर खनियाधाना आए। खनियाधाना से मायके गई पत्नी हुई लापता, कोई खबर नहीं। जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुहारी कला के रहने वाले एक युवक ने अपनी ही पत्नी की गुम होने की शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराई है और पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार रामकिशोर लोधी पुत्र अजब सिंह लोधी ने बताया कि मेरी पत्नी सपना राजपूत उम्र 20 साल और मैं ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसके बाद 9 अगस्त 2024 को ग्वालियर से हम अपने गाँव मुहारी कला थाना खनियाधाना आ गए। इसके बाद मेरी पत्नी 13 अगस्त को मुहारी कला से अपने मायके बसे के लिए बैठी थी। बसे पहुंचने के बाद मेरी पत्नी वापस अपने दीदी और जीजा के यहाँ मिसरोद आ गए। इसके बाद मेरी पत्नी को जीजा ने पिछोर से बसे के लिए बस में बिठा दिया था, लेकिन जब मैंने ससुराल में पता किया तो मेरी पत्नी ससुराल बसे नहीं पहुंची, तभी से वह लापता है। इसकी शिकायत पिछोर थाने में भी दर्ज कराई गई है, लेकिन आज दिनांक तक पत्नी का कुछ पता नहीं चला है। एसपी से युवक ने जल्द पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रामकिशोर लोधी। कहाँ से आए हो आप? मुहारी खुद खनिया थाना से। कौन सा थाना लगता है? वैसे थाना खनिया थाना लगता है, लेकिन जिला शिवपुरी। एसपी साहब के पास क्या समस्या लेके आए? एक्चुअली क्या है सर, मेरी जो बीबी है 20 साल की है, वो मायके गई थी 13 तारीख में। इसके बाद उसके जीजाजी उसे सरसौद लेने गए, तो सरसौद पहुंच गए। वो सरसौद के बाद से वो 21 तारीख से लापता है, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। इसकी शिकायत तो पिछोर थाने में भी करवाई है, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि जिससे मैं संतोष कर सकूं कि कोई कार्रवाई हो रही है। ये मायका कहाँ है उनका? उनका मायका बस ही है। ऐसा तो नहीं है मतलब वहां से उन्होंने कुछ? नहीं देखो, इस बारे में जैसे सरसों वाले उसके जीजा जी का कहना है कि हम लोग अपने यहाँ से बसई पहुंचा रहे थे, तो इस बारे में अपडेट ओनली या फिर उसके जीजा जी को था, जीजा जी के परिवार को था, या मायके के वाले परिवार को था। तो मायके गई थी जी? ये पहले मेरे यहाँ से मायके गई, मायके से फिर ये अपनी दीदी के यहाँ गई। क्यों गई थी? ये रक्षाबंधन मनाने के लिए गई थी वहाँ। तो वहाँ से फिर? वहाँ से फिर जब मैंने अपडेट लिया, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया, जब मैंने अपडेट लिया कि सपना कहाँ है जो मेरी दीदी है, तो तब उन्होंने बताया कि वो हमने बसई यानी उसके मायके पहुंचा दी है। तो मायके पता किया तो वहां पहुंची नहीं थी। फिर इसके बाद मैंने सारा अपडेट लिया, मुझे 4:30 बजे बताया गया 21 तारीख में क्यों लापता है। 21 तारीख में? हाँ। तो मतलब वहीं से घर से लापता है क्या? नहीं, उनका कहना है कि पिछोर से लापता है। पिछोर से? हाँ। तो वहां से निकल आई थी क्या? हाँ, ऐसा कहना है उन लोगों का कि हम लोगों ने पिछोर छोड़ा, पिछोर से वो मायके जा रही थी। उसका जैसे कॉल रिकॉर्ड भी दिखवाया गया, उसमें मायके नहीं पहुंची है। फोन था उनके पास? हाँ, उनके पास फोन था, उसी तारीख से बंद जा रहा है लेकिन फोन। तो वहां से बस में बैठ गई थी क्या मायके? अब ये उनका कहना है कि हमने बस में बैठाया, मेरे सामने नहीं बैठी ना मुझे जानकारी दी गई थी इस बारे में। तो उनसे आपने पूछा क्या? मैंने उनसे पूछा, 2 बजे कॉल किया जब उसका नंबर बंद गया कि सपना कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि हमने पिछोर जाके बसई के लिए बस में बैठा दिया है। फिर पुलिस में रिपोर्ट किया अपने थाने में? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट की, वहां से उन्होंने उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाई है कि किसी से बात हुई, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला है, ना किसी से बात हुई, ना एसएमएस हुआ, कुछ नहीं है। लेकिन इस बारे में जानकारी जैसे वो सरसौत से बसई जा रही थी अपने मायके, तो या फिर उसकी जीजा जी को थी, जीजा जी के परिवार को थी, या मायके वालों के परिवार को थी। इसके अलावा दूसरे के अलावा तीसरे किसी को जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई, 22 में हुई थी। कहाँ रह रहे थे आप? हम लोग पढ़ते हैं, ग्वालियर रहते हैं। क्या करते हो पढ़ाई? मैं डीआई की तैयारी कर रहा हूँ, वो बेसिक कबीत कर रही है, वो उसे पीएससी की तैयारी करनी है। उनकी उम्र कितनी होगी? 20 साल। तो आप कहाँ रह रहे थे अभी? अभी हम लोग क्या है रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने गाँव आए थे मुहारी, 9 तारीख में आए थे हम लोग। ये लापता कब, कितनी तारीख से हुई? 21 तारीख से। पुलिस वाले को अभी सूचना नहीं मिली? हाँ, पुलिस के यहाँ से कोई सूचना नहीं मिली, ओनली बस कॉल रिकॉर्ड आया। इसके बाद क्या जिन के पास केस है वो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं और वहाँ से कोई सूचना नहीं मिल रही है। आपने क्या बोला? एसपी साहब ने बोला देखते हैं केस को, कार्रवाई करवाते हैं।